गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 18 अगस्त और मैंने अपनी बहन का एक अकाउंट ओपन करवाया था पंजाब नेशनल बैंक में। उसके हो गए 7 दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो एक मैसेज आया है। ये पता नहीं किस चीज़ का मैसेज है, ये वाला। डियर कस्टमर, यू हैव बीन इनेबल फॉर SMS सर्विस, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच फॉर सीडिंग आधार नंबर। इसका पता नहीं है क्या है, एक बार ब्रांच में दिखा के आऊंगा। ये है मम्मी की दवाई सुबह वाली, 5 गोलियां सिर दर्द की है। ओके, निकलेगी इसमें से मलाई। इसको एक पन्नी में कर देना। तो भाई मैंने उस बैंक की एम्प्लॉय को, मैडम को अपना वो मैसेज दिखाया, तो बोलती है ये कुछ नहीं है। हैं, ये कुछ नहीं है? फिर कहती है आपका बैंक अकाउंट नंबर आ गया, फोटो खींच लो इसकी। ठीक है मैडम, 2000 रुपये जमा करा देंगे और पासबुक ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भाई अपनी गाड़ी की धुलाई हो रही है, वो भाई धो रहा है। आज 3 दिन हो जाएंगे मैं जिम नहीं जा रहा, वो किस लिए? क्योंकि मैंने एक दिन रात को मुझे बहुत तेज भूख लगी, रोटी खाने का मन नहीं था, सब्जी खाने का भी मन नहीं था, तो मैंने खा ली नमकीन और बिस्कुट। भूख लग रही थी तब तो अच्छी लगी, लेकिन उसी दिन से जो ऐसी फूड पॉइजनिंग हुई है ना, वो नमकीन और बिस्कुट मुझे भारी पड़ गए। 3 दिन से लगातार जिम छूट रही है मेरी। अभी आज थोड़ा आराम है, आज अगर शाम तक आराम रहा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। भाई जिसको नहीं पता घर पे घी कैसे निकलता है, देसी घी कैसे निकलता है, तो आज मम्मी दिखाएगी आपको। ये है मलाई जो दूध के ऊपर से उतरती है, और ये है मम्मी जो कि हंसती हुई आ रही है। अब इसको आधा एक घंटे तक फेंटेगी ऐसे करके, हाथ से फेंटेगी। ठीक है, अभी देख लें। चलो भाई शुरू हो जाओ। देखो भाई ऐसे फैटते हैं इसको, पूरी तरह से घी फैट फैट दिया है मम्मी ने। अभी ये देखो गैस जलाई, आधी कैसे जल रही है गैस, यहाँ पे पानी पड़ा होगा। और ये देख लो, अब रखी है कढ़ाई, ये मम्मी हमारी। और भाई इसमें क्या रखा है, चाव लगी यहाँ पे, लगी पे। क्या नहीं कहना मानना आपका मैंने, हैं? ये लो फटाफट गया। तो भाई सारा घी कढ़ाई में डाल दिया है, ये देख लो। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए, डार्क ब्राउन या गोल्डन कलर का ना हो जाए। अब इसको पकने देते हैं, जब पक जाएगा तब आपको दिखा देंगे। ये देखो गाइस, घी में खद्दा लग रहा है, कम से कम इसमें लगेंगे 2 से 3 घंटे। ये मैंने लिए थे नॉर्मल, ये मैंने लिए थे रनिंग के लिए, ये भी भैया के हैं। ये मैंने लिए थे अपनी फॉर्मल के साथ, ये मैंने जीन्स के साथ लिए थे अपनी, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिए थे, ये भी भैया के हैं। ये मैंने लिए थे कॉलेज के लिए अपने, और ये भी कॉलेज के लिए। इनको उठाते हैं, इन सब में गिरते हैं तनिया। ये देख लो भाई, घी अपने अंतिम चरण में है, बस थोड़ा सा खद्दा और लगेगा और उसके बाद ये बन जाएगा। यह देसी घी प्योर घर पे बनाया हुआ दूध की मलाई से। ये देखो जैसी इसकी मलाई है ना, ये मलाई इकट्ठी करके उसको फेंट के और फिर गैस पे चढ़ा देंगे, फिर इसको पकने देंगे और देसी घी निकल के तैयार। ये कम से कम एक डब्बा आराम से निकलेगा। तो भाई घी बन के एकदम रेडी हो चुका है, ये देख लो गोल्डन कलर का। अभी ये मिलेगा डब्बे में।
मम्मी ऑल सेट है अपना। ये शाबाश, ये आधा डब्बा भर जाएगा यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक भर जाएगा ऊपर तक। अगर इसी घी को हम दुकान पे लेने जाए ना तो भाई हमारे 1000 रुपए तो आराम से खर्च हो जाएंगे। और ये देखो 1000 रुपए कढ़ाई में रखे हैं। तो भाई सारा घी भर चुका है डब्बे में, और ये देख लो कितना डब्बा भर गया ऊपर तक, हाफ से भी थोड़ा ऊपर तक, आधे डब्बे से थोड़ा ऊपर तक। और ये जो लास्ट में बचता है ना, ये सारा वेस्ट है। जो बहुत दिनों की मलाई हो जाती है ना, उसका तो वेस्ट हो जाता है। जो ताजी ताजी मलाई होती है एक दो दिन की, उसमें जो ये बच जाता है उसमें, इसमें चीनी गिर के खा लेते हैं। अभी तो खा नहीं सकते क्योंकि बहुत दिनों की मलाई है, और बहुत दिनों की मलाई खाने का हमारा मन नहीं करता भाई। मैं गया भाई बैंक में पासबुक लेने के लिए, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय बोलता है, मोटा सा था एक भाई साहब, पासबुक ख़त्म होगी, एक हफ्ते बाद आना। इतना लंबा समय मैंने अपने दिमाग के दौड़ाए घोड़े, मैं कहा इनको पासबुक ही ला के दूंगा। तो भाई अगले वाले बैंक में गया, सर पासबुक चाहिए, अकाउंट ओपन करवाया है। उसने बोला कि भाई पासबुक तो तुमको वहीं से मिलेगी, हम तुमको बार कोड लगा के दे देंगे। तो उन्होंने बार कोड लगा के दे दिया, मैं पासबुक लेके उसको दे दी। तो वो एम्प्लॉय मेरी तरफ ऐसे देखता है, मैंने कहा खाएगा क्या? तो मैंने कहा सर पासबुक लीजिए और एंट्री करके तुरंत दीजिए। तो चुपचाप उसने मुंह बना के एंट्री करके दी और मैं लेके घर को आ गया। दिखाना क्या हुआ, क्या हुआ दिखाना। बस गई, ऐसे कैसे चल रहे थे? फाड़ दो, 20 रुपए की पर्ची है, फाड़ दो ना इसको, साले ने 20 रुपए ऐसे ही ऐंठ लिए। कौन सी अच्छी लग रही मम्मी? ये वाले ऐसे क्यों ले रहे? ऐसे में लो, ये तो फ्लैट वाली होगी। ये चप्पल ली थी भाई मम्मी के लिए, वो रास्ते में टूट गई थी। मेरे साथ तो बहुत गलत चीज़ें होती हैं। मैं नॉर्मली यहाँ से चल रहा था, मैंने अपना पॉकेट कंघा होता है ना छोटे वाला, वो यहाँ पे फेंक दिया बेड पे। वो बेड पे तो आया नहीं, बेड पे से होके सीधा इधर भाग गया। वो पड़ा वहाँ पे, दिख रहा है आपको ये रहा। अब इसको कौन निकालेगा? मैं तो निकाल रहा हूँ भाई, पड़ा रहने। इसमें एक कस्ता छोला भी है, ये रहा निकाल इसको। छोले और खस्ता कहाँ? ये तो रहा इसमें लिफाफे में। और चावल कहाँ उसके? खस्ता छोले तो उसके साथ चावल भी तो हो ना। चावल नहीं लाया मैं, ये मम्मी के लिए है। अभी ये देखो क्या मंगवाया, ये स्नैक्स, ये है भाई सलाद, अचार है, सैलेड, हम तो सलाद कहेंगे, ये है सलाद, प्याज, मिर्च, कटहल का, बहुत सारे अचार मिक्स हो रखे हैं इसमें। इसमें दिखाई दूं आपको क्या है ये, दो दो गांठ लग रखी है, आधी किलो बिस्किट, आधी किलो नमकीन, और ये काजू पज्जू से क्या है ये।